मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 27 अगस्त को घोषणा की थी कि प्रदेश की महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे। इसके बाद महिलाओं में खुशी की लहर थी। हालांकि ये पता नहीं चल पा रहा था कि सावन के महीने में गैस सिलेंडर कैसे 450 रुपए में मिलेंगे। महिलाएं गैस एजेंसी के चक्कर काट रही थीं। कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा कर दी है। गैस सिलेंडर लेने के बाद महिलाओं के खाते में रुपए आएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि ये सावन माह के सिलेंडर की राशि की प्रतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि सावन माह के सिलेंडर की राशि की प्रतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में की जाएगी। उन्होंने कहा कि सावन के माह में प्राप्त की गई गैस रिफिल 450 रुपए में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। रिफिल कराने वाली बहनों के आधार से लिंक खाते में लगभग 500 रुपए प्रति रिफिल के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान के इस घोषणा से मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं को फायदा होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आगे भी महिलाओं को राहत देने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही राखी से पहले केंद्र सरकार ने भी बहनों को राहत दी है। घरेलू सिलेंडर पर कीमत में 200 रुपए की कमी की गई है। इससे आम कंज्यूमर्स को बड़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए लाडली बहना योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1250 रुपए मिलेंगे और ये फायदा मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।